You are watching Cooksmart with Sanjeev Kapoor. और Cooksmart में अब कुछ smart cooking और हो जाए और इसे बनाने के लिए कुछ जल्दी से क्या किया जाए. चलिए ये pan है मेरे पास और इस pan में थोड़ी सी गर्मी और इस गर्मी में थोड़ा सा तेल. ओहो गर्मी में तेल. सर्दी में तो तेल ठीक लगता है पर गर्मी में नहीं इतना अच्छा लगता. चलिए ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये इसके अंदर डाल दिया और फिर इसमें थोड़ा प्याज डालना है हमें. और ये जो रेसिपी है ना ये बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है ख़ासतौर से संडे ब्रंच में बहुत बढ़िया बनेगी. तो इसके लिए ये प्याज बहुत सिंपल थोड़ा सा तेल स्लाइस्ड अनियन ये जब तक पकता है हम ज़रा टमाटर भी ले लेते हैं और टमाटर जो हैं ये लेकर इसे बारीक चॉप करना है हमें. टमाटर बढ़िया लाल राइप टोमेटोस और नज़र रखें ज़रा अपने प्याज पे कि प्याज का काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है. और प्याज थोड़े से और सॉफ्ट होने चाहिए. गार्लिक ये हमारे पास हो गया तैयार प्याज के साथ में ये गार्लिक. हाँ प्याज की क्या खुशबू आ रही है मज़ेदार. टमाटर भी साथ में और इसके अंदर ये नमक हमारे पास थोड़ा सा नमक इसके साथ में प्याज टमाटर नमक. और ये हमारे पास है ब्रेड स्लाइस. तो ये जो ब्रेड स्लाइस है इसको लेकर इस तरह से ये काट लिया और जिस प्लेट में आपने इसे सर्व करना है उस प्लेट में ये ले लें ब्रेड. ये इस तरह से कटी हुई ब्रेड. और नहीं नहीं ये प्याज टमाटर नहीं सर्व कर रहे. अभी देखते हैं कि क्या सर्व होगा. और ये पानी इसमें प्याज टमाटर गार्लिक थोड़ा पानी और केचप. तो केचप भी डाल दी इसके अंदर. थोड़ा सा पार्सले ये जो है पार्सले ले लिया और पार्सले इसके अंदर प्याज टमाटर के साथ में पार्सले. और ये देखिए टमाटर जैसे जैसे पकता जाएगा इसमें ये सब खुशबू देखिए एकदम बदल गई इसकी. और इसके साथ इसमें फ्रेश पेपर फ्रेशली ग्राउंड पेपर. और ये इसमें डालने के बाद अब बारी आती है थोड़ा सा इसे धीमा करने की. और ये हमारे पास अंडे तो अंडे इसके अंदर डाल दिए. एक्चुअली एक डिश होती है शक्शुका लेकिन ये उससे मिलती जुलती है वो नहीं है. आप देखेंगे क्यों वो नहीं है. आपने ये डाल दिया इसके अंदर और अब इस पे लगा देते हैं ढक्कन. ढक्कन लगाने से क्या होगा कि ये पूरी तरह से पकेंगे और ये साथ साथ धीरे धीरे जो ग्रेवी है वो भी और रिड्यूस हो जाएगी. और इसे सर्व करेंगे हम इस ब्रेड के साथ में. लेकिन और भी चीज़ें हैं इसमें सर्व करने के लिए वो धीरे धीरे आएंगी. ध्यान रखिए सुबह का नाश्ता रिलैक्स्ड बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं. हाँ छुट्टी वाले दिन तो हो सकता है तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा कुछ एलैबोरेट करना पड़ जाए तब ऐसा लगता है कि कौन सुबह सुबह छुट्टी वाले दिन जल्दी उठे फिर नाश्ते में फोकस करे. लेकिन इसलिए नाश्ता और लंच कई बार छुट्टी वाले दिन एक हो जाता है बन जाता है ब्रंच. और फिर तो मेहनत हो सकती है ना कि दो की जगह एक. हाँ मतलब आधा काम करना पड़े फिर तो सब कर लेंगे. लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ इनोवेशन चाहिए होती है ख़ासतौर से बच्चों के लिए. जब तक ये पकता है ब्रेड के साथ में थोड़े से ये चिप्स जो हैं इसके साथ में बड़े बढ़िया लगते हैं. ग्रेवी इसकी नाइस एंड मॉइस्ट और ये चिप्स जो हैं करारे खस्ता. ये अभी तो और करारा खस्ता होगा. ये अंडे पकने शुरू हो चुके हैं और ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है ये. और इसमें ये अंडों का क्या हाल है. हाँ
अंडे जो हैं वो नीचे लगे नहीं, ये हम इंश्योर कर लेते हैं। और अंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पकाने भी नहीं हैं हमने। तो ये अब देखिए अंडे पक गए हैं और इसे कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद ये अंडे जो हैं इस ब्रेड के ऊपर, ये अभी हमें दिख नहीं रहा था कि अंडे कहाँ गए इसमें, और मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा और करारा इसको करना है। ये आपके पास अगर थोड़े से कॉर्न चिप्स हो तो कॉर्न चिप्स लेकर क्रश करके ये इसके ऊपर, कुछ पत्तियां हरे धनिए की ये इसमें। जब आप इसको सर्व करते हैं तो उस समय समझ नहीं आता कि इसमें क्या पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आप इसको खाते जाते हैं तो बस मज़ा आता है, क्योंकि ये जो कॉर्न ऊपर है वो भी बढ़िया से क्रिस्प है, जो आलू के चिप्स हैं ये भी आप खा सकते हैं, उसमें भी जो सॉस सी है वो साथ में लगाते हैं तो बढ़िया क्रंची टेस्ट आता है। अंडे जैसे जैसे आप उसको निकालते जाते हैं उसमें भी मज़ा आता है। जब तक ब्रेड में पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर जो टमाटर प्याज की सॉस सी है वो भी पहुँच जाती है, अंडे का योग जो है पूरी तरह से जो मेल्ट नहीं हुआ वो भी पहुँच जाता है, उसको भी खाने में मज़ा आता है। हाँ, उसको टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसी तरह से रख के फिर देखिए अब तीन अंडे का ऑमलेट बनाते हैं। ये तीन अंडे का एक मील तैयार हो गया है संडे ब्रंच के लिए। मज़े से बनाइए, मज़े से खाइए, खाइए खिलाइए।